नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। 360 टीरन लेवल, गन लेवल्स और इनसाइड द बार, NR4, NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बहुत सारा चीज़ जो 22 लेवल वाला वीडियो में दिखाता हूँ, वो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही आसान कर देगा। और इसके ये 22 लेवल भी कम स्किनर में क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसमें कैसे एंट्री लेना है, ये सब इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस, इसका हाउ टू स्किन वीडियोस, इसका स्ट्रेटजीज, ये सब देख लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको इस्तेमाल करके आप लोग कैसे आसानी से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है। इसका फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को इसमें जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन होने का लिंक दिया जाएगा, उसमें ज्वाइन हो सकता है। इसका डाउनलोड करने का भी लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और जो लोग आस्था ट्रेड अलीज ब्लू स्टॉक्स और एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है, उसका लिंक दिया जाएगा है, तो वो भी आप लोग देख सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट, सॉरी ये निफ्टी बैंक हो गया, पहले निफ्टी को ही देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए आज थोड़ा सा रियली बुलिश कैंडल, कल मैंने गलत से बुलिश बियरिश कैंडल को बुलिश कैंडल बोला था, तो एनी वे तो आज बियरिश कैंडल ही सॉरी बुलिश कैंडल ही बना है। तो लेकिन ये बुलिश कैंडल जो बना है आप लोग देख सकता है, ये स्पिनिंग टॉप जैसा है, जो अपर वीक और लोअर वीक ऑलमोस्ट सेम है, ये एक स्पिनिंग टॉप वाला है। और ये जितना हाई गया था, इतना दूर तक 21,035 तक हाई गया था, 18,675, इसमें से देखिए 20,083 तक ये रिट्रेस्ट किया है, इसीलिए इसका बुलिश दिख रहा है। तो लेकिन ये क्लोजिंग दिया है 20,083 में, तो और इसका हाई है 21,035, ये नहीं है कि हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो ये जस्ट थोड़ा सा नीचे, और भी इसका पिवट पॉइंट का थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देता था, तो इसका बियरिश दिखता था। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ट्रेंड रिवर्सल का दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ट्रेंड अभी तक डाउन में है, और डाउन में अभी तक जाना का प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो सब कुछ ट्रेंड जो दिख रहा है, तो मैंने इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको अभी मानना चलना पड़ेगा, कितना दूर तक आ सकता है और ऊपर जाएगा तो कितना दूर तक रिट्रेस हो सकता है। तो ये देखिए फर्स्ट इधर जो रेजिस्टेंस मिलेगा 20,174 में फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आएगा 21,200 ही पकड़िए, उसके बाद ये 22,002, उसके बाद ये इसका पिवट पॉइंट आ गया 22,535 तक। तो डेली चार्ट में ये दिख रहा है, और जो नीचे वाला जो लेवल दिखता है, तो इधर देखिए इधर जो मतलब फर्स्ट तो ये क्लोजिंग दिया है 86 में, उसके बाद इसका जो काट कर रहा है, तो इधर फर्स्ट रजिस्टर इधर 18,418 के आसपास 18,387 में नेक्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद ये कुछ एक मिनट इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना होगा, इसके बाद ये इसका जो है 16,781 इसका आएगा, उसके बाद फिर इसका जो सपोर्ट मिलेगा 15,422, उसके बाद ये जो 13,784 इतना तक आ सकता है, उसके बाद ये 11,572, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 11,572, उसके बाद ये बहुत ही डाउन हो सकता है लगभग 7,361 तक आ सकता है।
और इसका ना मंथली चार्ट में, सॉरी इसका वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप लोग को क्लियर भी क्लियर पिक्चर आएगा। मैंने रोज ही दिखा था, इधर देखिए ये क्लियरली ये बियरिश कैंडल है, तो कुछ भी रिवर्सल का नज़र नहीं आता है। और कितना दूर तक आ सकता है वो भी इधर से वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। तो देखिए इधर से जो पहले था आज तो 18,000 में, 18,000 के बाद जो 11,000 का लेवल होगा, ये देखिए फिबोनाची लेवल जो है ये क्यों दिखा रहा है वो भी आप लोग को प्राइस एक्शन से पता चलेगा। देखिए इतना दूर तक ये नीचे गिरा था, आप लोग देख सकते हैं इधर से इतना दूर तक इसका लो हुआ था। देखिए इधर इतना दूर तक ये प्राइस एक्शन, इसका जो स्विंग हाई लो हुआ था, इधर आप लोग कैंडल देख सकते हैं इसका जो स्विंग हाई लो हुआ था, तो इधर तक ये 11,100 इसका जो रेंज आएगा था, उसके बाद इतना तक, पहले इतना तक 8,200, उसके बाद 7,300 का आ सकता है। तो ये जो लेवल दिखाता है ये प्राइस एक्शन का लेवल ही दिखा रहा है। जो लोग मतलब प्राइस है उधर इंडिकेटर भी करता है, ऐसे ही करता है, आप लोग देख सकते हैं इधर से कैसे स्विंग हाई हुआ था, इधर सपोर्ट, इधर इधर जो आप लोग ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन दो ड्रॉ करेगा तो इधर ये दोनों सपोर्ट मिलेगा, इधर से एक सपोर्ट मिलेगा, इधर इधर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और हर एक लेवल पे आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये लेवल इंडिकेट कर रहा है। तो इधर इसके बाद प्रोजेक्ट करना कर सकते हैं हम लोग कि ये और भी कितना नीचे आ सकता है, कौन सा सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है प्राइस एक्शन का हिसाब से, कौन सा कहाँ से स्विंग हाई हुआ था, कहाँ से मतलब स्विंग लो हुआ था। उधर से सर देखिए इधर एक सपोर्ट था, इधर जो 19,000 जो का आसपास एक सपोर्ट था, आप लोग देख सकता है ये जो डॉट इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकता है उसका हिसाब से देखो, तो जब तोड़ दिया है तो इस लेवल तक तो अभी आने का बहुत ही चांस है, 17,000 का लेवल पे, 17,000 का आसपास का लेवल पे। उसके इधर इधर देखिए इसके बाद ये 15,000 का 387 जो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है वो थीम सेम थिंग, ये इधर जो लेवल्स है उधर इंडिकेट कर रहा है, ये 15,387 का लेवल में आ सकता है। उसके बाद देखिए 11,500 का लेवल पे जो ये दिखा रहा है, पहले आप लोग इस लेवल को पकड़ सकता है 12,911, उसके बाद 12,163, तो उसके बाद 11,572। तो इधर देखिए एक इस रीजन पे एक सपोर्ट है, तो इस रीजन पे जब सपोर्ट होगा 11,572 के नीचे कितना दूर आ सकता है आप लोग इधर से चार्ट में ही खुद देख सकता है। 7,361 का लेवल पे जो इधर जो नेक्स्ट लेवल है, पहले आप लोग 9,000 का लेवल पकड़ सकता है, उसके बाद तो 7,000 का लेवल आता है, उसके बाद फिर 4,000 का लेवल आ जाएगा। इधर से देखिए इधर सेम थिंग दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को देखना पड़ता है प्रोजेक्टेड कहाँ पर आ सकता है। और देखिए कुछ भी रिट्रेस होने के लिए कुछ लेवल्स का जरूरत होता है, वो लेवल्स आप लोग इधर से इंडिकेट कर सकते हैं, आप लोग प्राइस का प्राइस एक्शन देख के भी इसके कुछ को तो स्विंग पिछले देखना पड़ेगा वो ब्रेक होने के बाद ही। निफ्टी का मैंने एक बात बोलता हूँ, कुछ इधर भी एक स्पिनिंग टॉप जैसा बुलिश कैंडल हुआ है, ये भी 8,500 तक ऊपर गया था, 7,800 तक नीचे गया था, उसके बाद 8,200 में क्लोजिंग हुआ था, 8,223 या 200 थोड़ा सा नीचे, 8,223 या 8,220 के नीचे क्लोजिंग होता था, तो ये बियरिश कैंडल ही बनता था, तो थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया इसीलिए इसको बियर बुलिश दिख रहा है, इसका कलर ग्रीन दिख रहा है, नहीं तो ये रेडी दिख रहा था। ये भी स्पिनिंग टॉप जैसा हुआ है, इसका अपर वीक बहुत ज़्यादा है, मतलब ऊपर जाने का कोशिश किया था लेकिन सेलिंग प्रेशर आ गया, इसको नीचे नीचे पुश कर दिया। और उधर से जो सेलिंग जो इधर जो बाइंग प्रेशर जो है वो 7,800 का लेवल से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है, तो इधर इसीलिए ये थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ऊपर का सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए ऊपर का वीक थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। और इधर देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 8,298 पे, उसके बाद 8,607 पे उठा, उसके बाद 8,787, उसके बाद 9,075, उसके बाद 9,275, उसके बाद 9,583, उसके बाद 9,763। आप लोग प्राइस एक्शन देख के भी ऐसे ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद नीचे का जो लेवल है 7,832 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके